भाई सुन, ये देख लॉटरी का खबर। बक साला, तू बस सही देख रहे, सब बेकार है। क्या बोल रहा यार, बकवास थोड़ी है। सुन ना, चल अपना लग आजमाते हैं इसमें, क्या बोलता है? 5,000 रुपये। कहाँ से लाऊंगा यार 5,000? इनाम कितने का? अरे ना 10 ना 20, पूरे 1 करोड़ का इनाम रखा है। वैसे कितने पैसे हैं तेरे पास? यार सिर्फ 2500 है मेरे पास। अच्छा चल, कोई बात नहीं, बाकी 2500 मैं दे दूंगा, मगर अगर इनाम जीतते हैं तो पैसे आधे आधे। तू ना पैदा ही कमीना हुआ था, धोखा तो नहीं देगा भाई? भरोसा रख। भरोसा और तुझ पे? अबे ऐसे भी मैं तेरे लिए कर रहा हूँ, ठीक है? चल ठीक है, मान लिया जा, तू भी क्या याद रखेगा। ऐसे मजाक कर रहे हो और क्या? पूछ नहीं सकते का बड़ा भाई से? तब लिएगा टिकट? हाँ सुलेमान, अमीरी की तरफ पहला कदम है। नौकरी चाकरी तो करता नहीं, कम से कम इसमें ही अपने किस्मत आजमा ले बाबू। बिल्कुल ठीक कह रहे भाई साहब, कुछ कर ले भाई। हाँ लायक, इसमें भी मेरी ही गलती देखो तुम लोग, और जगह जगह नहीं निकल लिया घर के सामने खटिया लगाने के लिए। भाई यार जैसे जैसे लॉटरी का वक्त नज़दीक आता गया, सुलेमान के दोनों भाई जैसे धार्मिक गुरु ही बन गए हो। कोई 5 वक्त का नमाज पाबंदी से पढ़ने लगा, तो कोई दुआ में कसरत से अपनी जीत मांगने लगा। कसरत से नमाज दुआ कुरान होने लगा, रोज़े की भी पाबंदी कसरत से होने लगी। अरे मौलाना साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या क्या बताओ ले। अरे आपने सुना नहीं अपने भाई ने क्या किया है? क्या क्या किया था? मस्जिद में 10,000 की दान किया उसने, और मौलाना साहब से दुआ की दरख्वास्त भी की। ऐसा किया अरफात ने? दान लीजिए, दान लीजिए। नहीं भाई, अरे भाई आप तो पीछे हट रहे हैं, आपके भाई ने 20,000 का दान कर दिया मस्जिद के लिए, आप भी कुछ कीजिए। ऐसा किया भाई साहब ने? अरफात इधर आओ। बोलिए क्या काम है? क्या सुना मैंने, तुमने मस्जिद में 10,000 रुपए का दान कर दिया? ओहो, उल्टा चोर कुटवा को डांटे, और आपने जो 20,000 की दान किया उसका क्या? आवाज नीचे अरफात। आप भी भाई जान, अब हम जा रहे हैं बेल्टर बाबा के पास। सुना है जो भी उनसे मार खाता है उसका मुराद पूरा हो जाता है। अब हम चले। तो बोलो बेल्ट वाले बाबा की जय। साधना का वक्त पूरा हो। तो बोलो बेल्ट वाले बाबा की जय। तो भक्त जनो, समस्या बताओ। बाबा जी, हम लोगों की बिजनेस में तरक्की नहीं हो रही बाबा जी, कुछ उपाय बताएं बाबा जी। तरक्की करा दो बाबा जी बस। बाबा बाबा हेलो, बाबा बेल्टर ही है? हाँ हम फ्री है, आ जाओ। तो बोलो बेल्ट वाले बाबा की जय। बाबा जी ऑफर बताइए। ये मुराद वाला बेल्ट
ये बच्चे का बेल्ट, ये शादी के लिए और ये पैसे का। बाबा मुराद वाला बेल्ट से कूट दो हमको आज। सुलेमान मुझे पता था तू धोखा देगा, क्यों किया तूने ऐसा मेरे साथ? तुझे पैसे लेकर करने भी क्या, अपने उल जरूर हरकत में पैसे वेस्ट करेगा? मुझे अपना फ्यूचर देखना है भाई, मुझे आगे बढ़ना, मुझे बिजनेस स्टार्ट करना, शादी करनी है। हाँ बेटा तुम वही करो, शादी करो, दो बच्चे पैदा करो, चले जाओ बाबी जी के साथ गंगा घाट, चश्मा पहन के बैठ जाओ वहाँ पे, यही करो, गोबर गणेश हो तुम बिल्कुल। अरे तो पैसे चाहिए ना, जब हम जीत जाएंगे पैसा तुमको पूरा पूरा पैसा, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए। आज से दोस्ती खत्म, कॉल मत करना कभी मुझे। देखो व्हाट्सएप भी ना करे, बड़ा है, कॉल मत करना मुझे। जल्दी कर, पेशाब करना मना, वही साले खड़ा होकर मुंह चढ़े। अरे भाई क्या हुआ? मेरी जी पक्की। अरे बेल्टर बाबा से मार खा के आए हैं तो आप तो पक्की। पता नहीं आता होगा, लॉटरी का रिजल्ट लाने गया है, बनाने गया आते क्या होगा देखिए। भाईन लॉटरी कोई दिल्ली वाला जीत गया है। क्या बात कर रहे हो साले घोड़े, तुम्हारे वजह से ही सब हुआ है। तो हम भी बोल सकते हैं आपको कि आपके कारण है। पहले साले बेकार है, आपका पहले वजह बेकार है। चुप चल ठीक है यार, इसी बहाने अपनी दोस्ती लौट आई। फालतू का साला लड़ पड़े, कहा लॉटरी के लिए जितने कोई स्कोप नहीं था। भाई उससे मैंने तुझे बहुत कुछ बोल दिया है, मेरी भी गलती थी, मैं लालच में आके गलत कदम उठा लिया। आज छोड़ यार, चल मिलते हैं। मुझे पता था